मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना को मिले जबरदस्त रिस्पांस से घबराए उबाटा कांग्रेस और शरद पवार गुट ने बदलापुर कांड पर राजनीति शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर राज्य में हिंसा भड़क कर अशांति पैदा करने के लिए महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया जा रहा है। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष प्रगति पाटिल ने लगाया है। प्रगति पाटिल ने आगे कहा कि शरद पवार द्वारा महाराष्ट्र के मणिपुर बनने की भविष्यवाणी के बाद प्रगति पाटिल ने भी सवाल उठाया है कि क्या राज्य में अशांति और सामाजिक अशांति फैली है, क्या यह संयोग है या एक सुनियोजित साजिश है। पाटिल ने महाविकास आघाड़ी की बंद बुलाने और हिंसा भड़काने की राजनीति का शिकार हुए बिना राज्य में शांति बनाए रखने की भी अपील की है। प्रगति पाटिल ने कहा कि कोलकाता में महिला डॉक्टर पर अत्याचार की घटना का कांग्रेस और शरद पवार गुट ने विरोध तक नहीं किया है। बदलापुर की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश करी है कि इस घटना के आरोपियों को सख्त सजा मिल सके। बदलापुर कांड के आरोपी को भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही इस घटना में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों को भी बर्खास्त कर दिया है। एक महिला पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल नियुक्त किया गया है और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। इसके लिए विशेष लोक अभियोजन पे नियुक्त किए गए हैं, जहां राज्य सरकार ने ये फैसले तत्काल लिए हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी इस घटना के मौके पर बंद की आड़ में राज्य में हिंसा का घिनौना खेल खेल रही है। इस मौके पर प्रगति पाटिल ने महाविकास आघाड़ी के 2.5 साल के शासनकाल में महिलाओं पर हुए अत्याचार की सूची पढ़ी है, जिस समय सत्ताधारी दल के युवा नेता महबूब शेख ने संभाजीनगर में एक युवती के साथ बलात्कार किया था और उसे बिना गिरफ्तारी के सुरक्षा दी गई थी। उस समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। जब विदर्भ के हिंगन घाट में एक युवा प्रोफेसर को दिन दहाड़े सड़क पर पेट्रोल डालकर जला दिया गया था, तब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। जब डोंबिवली में 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, तब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। अगस्त 2020 में जब राज्य में नाबालिग लड़कियों से रेप गैंगरेप जैसी करीब 11 घटनाएं हुई, तो उस वक्त उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का राजनीतिकरण करने के लिए बंद ही बुलाया था। पार्टी ने यह भी याद दिलाया, लाड़की बहन योजना को मिल रहे जबरदस्त रिस्पांस को देखकर महाविकास आघाड़ी के नेता डरे हुए हैं। उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार समूह किसी भी तरह से लाड़की बहन योजना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मदलापुर में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से लाड़की बहन योजना के पोस्टर दिखाए गए। ऐसे काम आम नागरिक नहीं करते हैं। आंदोलन में शामिल राजनीतिक ताकतों ने ही लाड़की बहन योजना के पोस्टर को देखा था। इसका मतलब यह है कि विपक्षी दल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाड़की बहन योजना को रोकने और बदनाम करने की साजिश रच रही है और हम इस साजिश को कभी सफल नहीं होने देंगे, ऐसा पाटिल ने कहा। पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि 2004 से 2014 के दौरान जब यूपीए सरकार सत्ता में थी और महाविकास आघाड़ी के शासन के दौरान महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं हुई, इसके बारे में जनता जानती है। महाराष्ट्र को मणिपुर बन रहा है, ये खुद ही बोलते हैं, खुद ही अशांतता फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मराठवाड़ा में जो मराठा आरक्षण भी हो रहा है उनके ही नेतृत्व में हो रहा है। मतलब महाराष्ट्र अशांत कैसा रहे, उसमें से उनको सत्ता कैसे मिले। रात दिन ये महाविकास आघाड़ी यही सोच रही है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। लाड़की योजना में बजट में हमें प्रावधान मिला है, इसीलिए योजना चालू रहेगी और हम लोग ये होने नहीं देंगे। इनका नीच राजकारण हम तो सक्सेस कभी भी होने नहीं। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।